जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जी हाँ, सुख हो या दुख हो, जिंदगी का गीत तो गाना ही पड़ता है। चलिए, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट के सीरियस होने के पीछे या सीरियस होकर उनकी डेथ होने के पीछे एक बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है और काफ़ी लोगों से होती है, और इसमें काफ़ी सारे लोगों की जिम्मेदारियां, जिम्मेदार हो सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, डॉक्टर तक। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक पेशेंट है, नाम है उसका राजू, एक काल्पनिक नाम सोच लीजिएगा, राजू। राजू को फीवर आया, 2-3 दिन तक उसके घर वालों ने अपने आप उसको पैरासीटामोल वगैरह जो भी दवाई थी वो देते रहे, नहीं उतरा तो बगल के केमिस्ट पे गए, उसने दवाई दी 2-3 दिन, नहीं आराम आया। बगल के जीपी पे गए, उसने दवाई दी, कुछ टेस्ट कराए, उसने कहा टाइफाइड है, इंजेक्शन लगवाओ। 5-7 दिन तक इंजेक्शन लगे, थोड़ा सा फीवर उतरा, 2-4 दिन के बाद फीवर आना फिर शुरू हो गया। अब चिंता बढ़ गई क्योंकि फीवर को हो गए 15-20 दिन। इसके बाद बगल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए, जो जाने माने डॉक्टर थे आसपास, उन्होंने कहा जी दोबारा से टेस्ट कराओ, एक एक्सरे भी कराओ, सब नॉर्मल था। उन्होंने कुछ दवाइयाँ, एंटीबायोटिक वगैरह लिख के दे दी और बोला कि यूरिन में इन्फेक्शन है। पेशेंट को थोड़ी सी खांसी भी थी और फीवर को 20-25 दिन हो चुके थे। अचानक पेशेंट को सिर दर्द हुआ, उल्टियाँ शुरू हो गई और पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। फटाफट लेके हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल में बाकी टेस्ट हुए, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला गया, सीटी स्कैन किया गया, छाती का सीटी स्कैन किया गया, तो पता चला ट्यूबरकुलोसिस थी जो दिमाग में चली गई है, और पेशेंट हो गया सीरियस। कैसे हुआ पेशेंट सीरियस, किसकी गलती थी? गलती सबकी थी, गलती सबकी थी। पहले घर पे इलाज, फिर बगल के केमिस्ट पे इलाज, फिर झोला छाप और जीपीस का इलाज, कोई नहीं पकड़ पाया। खांसी आ रही थी, स्पेशलिस्ट साहब ने एक्सरे करा दिया, बोला नॉर्मल है, कुछ नहीं है, यूरिन में इन्फेक्शन नहीं था, पर उन्होंने बोला यूरिन में इन्फेक्शन है, इसका इलाज करो। यहाँ पे बात आती है कि अगर यही सीटी स्कैन छाती का पहले हो गया होता तो शायद पकड़ में आ जाता था, क्योंकि उनकी छाती में ट्यूबरकुलोसिस थी, गांठें बनी हुई थी टीबी की, जो कि एक्सरे में नहीं आ पाती है कई बारी, लेकिन पेशेंट को खांसी और फीवर लगातार चल रहा था। बात यह है, इसी का मैं एक और आपको अगर कहोगे तो एग्जांपल एक और देता हूं कि एक पेशेंट है जिसको कि पेट में कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है, खाना खाते ही उसको घबराहट शुरू हो जाती है, खाना खाते ही उसको गैस बनने लगती है, और घर वाले कहते हैं कि जी आप ये पुदीन हरा ले लो, ये खाली पेट वाली गोली खा लो, और उसको आराम आ जाता है। अगले दिन फिर ऐसा होता है, 2-3 दिन लगातार ऐसा होता है, तो फिर बगल के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि पेट में गैस बन गई है, आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड कहता है जी पथरी पड़ी हुई है, अब पथरी का इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन अचानक एक दिन घबराहट और पेट में भारीपन खाना खाने के बाद और बढ़ जाती है, और वो बगल के स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं, वो ईसीजी कराते हैं, ईसीजी नॉर्मल था, ईसीजी नॉर्मल था, वो भी गैस का इंजेक्शन लगा देते हैं, और ज़्यादातर हॉस्पिटलों में अगर आप जाओ ऐसी प्रॉब्लम लेके, तो गैस का इंजेक्शन, उल्टी का इंजेक्शन लेके घर भेज दिया जाता है, PEN-40 MSAT। ये तो ऐसा रट चुका है मुझे नाम कि बस ये लगा दो और जाओ घर। घर आ गए और घर आके कार्डियक अरेस्ट हो गया और पेशेंट ख़त्म। क्या था उसको? उसको हार्ट अटैक था। पहले घर पे इलाज, फिर डॉक्टर साहब भी नहीं पकड़ पाए, ECG नॉर्मल था, ट्रॉप्टी नहीं किया, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ ट्रॉप्टी कई बार नेगेटिव भी आ जाता है। बात क्या है, कहाँ पे गलती थी? गलती मरीज को सीरियस होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, देर से डायग्नोस होना, पेशेंट का लेट डायग्नोसिस होना, ठीक टाइम पे पता ना लगा पाना मर्ज क्या है, सबसे बड़ी गलती यही होती है ज़्यादातर केसेस में। अब इसमें गलती में घर वाले भी शामिल होते हैं, क्योंकि वो लेट डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले अगल बगल केमिस्टों से इलाज, खुद का इलाज, झोला छाप का इलाज करते कराते वो एक एक सीढ़ी चढ़ के आगे बढ़ते हैं, फिर डॉक्टर्स की गलतियां शुरू हो जाती हैं कि वो पकड़ नहीं पाते हैं,
और हालांकि ये बात भी सही है कि डॉक्टर ही डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के सिर्फ जो मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेट डायग्नोसिस है। डॉक्टर वो अच्छा नहीं होता जो डायग्नोस कर ले, डॉक्टर वो अच्छा है जो जल्दी डायग्नोस करे। अगर आपने उसको डायग्नोस कर भी दिया कि इसके दिमाग में टीबी चली गई है, अब तो जा चुकी है, अब जो कॉम्प्लिकेशन होंगी वो होके रहेगी, पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं है। ठीक टाइम पे अगर उसकी ट्यूबरक्लोसिस पकड़ ली जाती तो शायद वो दिमाग में भी ना जाती। ठीक टाइम पे अगर उसको पेशेंट को पेट की प्रॉब्लम जो बता रहा था, अगर उसको ठीक से शुरू में ही टेस्ट करा के देख लिए जाते, एक हार्ट का डाउट अगर मन में होता तो डॉक्टर कहता नहीं जी आओ ट्रॉप टी भी करा के देखो, इको भी करा के देखो, इसको एडमिट कराओ, लेकिन नहीं कराया गया, जबकि पेशेंट को शुगर भी थी, है ना, हाई रिस्क फैक्टर थे, कोलेस्ट्रॉल भी था, बीपी भी था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना लेट डायग्नोस होगा पेशेंट, उतना ही वो ज़्यादा सीरियस होगा, उतना ही बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जल्दी डायग्नोस करो, जल्दी डायग्नोस करो, जल्दी डायग्नोस करो। और जल्दी डायग्नोसिस के लिए पहली मेहनत मरीज के रिश्तेदारों को करनी पड़ेगी, मरीज को खुद करनी पड़ेगी। इतना अवेयरनेस आजकल हो चुकी है, लेकिन अगर आपको एक डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा है तो कायदे से तो डॉक्टर को रिफ़र कर देना चाहिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन डॉक्टर भी कई बार रिफ़र नहीं करते हैं, अपना इलाज जारी रखते हैं। अब मैं क्या बोलूँ इसमें, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि सिर्फ 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 देर से बीमारी का पता लगाना यही ज़्यादातर लोगों में मुसीबत का कारण बनता है। इसके लिए आपको खुद अवेयर होना चाहिए और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज ज़रूर कराएं, और बाकी टाइम पे अपने चेकअप रूटीन टेस्ट ज़रूर कराते रहें। 40 साल के बाद हर 2 साल में एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, और 5 साल के अंदर एक अल्ट्रासाउंड और एक छाती का एक्सरे जरूर कराएं, एक ECG जरूर कराएं हर 5 साल के बाद, ठीक है। बाकी हार्ट के लिए और ये सब चीज़ों के लिए मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। आज एक सिर्फ छोटा सा वीडियो था कि कैसे आपके पेशेंट के सीरियस होने के पीछे गलतियाँ हम सबकी होती हैं, और सबसे बड़ी गलती सिर्फ एक है, देर से डॉक्टर के पास जाना और मरीज चला जाता है। जाना तो सबने एक ना एक, क्या करें, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो गाइए जिंदगी का गीत, रोकेगा या हंसकेगा, गाना तो तुझे पड़ेगा।